वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं राशि और यहां हम बात करते हैं बजट फैशन, लेटेस्ट लाइफस्टाइल अपडेट्स और पर्सनल केयर के बारे में। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक डमी स्कर्ट और उसके स्टाइलिंग वेज के बारे में। एज मैंने लास्ट टाइम एक प्लीटर स्कर्ट के स्टाइलिंग की वीडियो की थी, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मैं उसके लिंक ऊपर शेयर कर रही हूँ, आप उसको देख सकते हैं। एंड बात करते हैं हमारी आज की वीडियो के बारे में। आज की वीडियो में मैं एक डमी स्कर्ट के स्टाइलिंग वेज को लेकर आई हूँ। एज मैंने इस डमी स्कर्ट को 4 डिफरेंट टाइप के टॉप्स के साथ स्टाइल किया है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप उसको किस किस टॉप के साथ स्टाइल कर सकते हैं, प्लस कलर कॉम्बिनेशन, प्लस उसके स्टाइलिंग आइडियाज। सो स्टार्ट करते हैं हमारी इस वीडियो के साथ। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें और शेयर करें। तो बढ़ते हैं हमारी वीडियो की साइड। सो इस वीडियो को मैंने डिवाइड किया है 2 डिफरेंट सेक्शन में। एज मैं जब भी किसी ड्रेस का स्टाइलिंग वेज के बारे में बताती हूँ तो मैं उसको 2 सेक्शन में डिवाइड करती हूँ। फर्स्ट इज उसका रिव्यू एंड सेकेंड है उसके स्टाइलिंग वेज। तो रिव्यू में आपको बताऊंगी एज यूजुअल उसकी डिटेल्स के बारे में, मैंने उसको कहाँ से लिया था, आप उसको कहाँ से ले सकते हैं, एंड उसके जो स्पेसिफिकेशन है उसके क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है, क्या मुझको अच्छा लगा एंड क्या मुझको अच्छा नहीं लगा, जिससे कि आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्यों उसको लेना चाहिए एंड क्यों उसको नहीं लेना चाहिए। एंड सेकेंड मैं ऑब्वियसली मैं उसके बताऊंगी कि उसके स्टाइलिंग वेज कि आप उसको कैसे और किस किस टाइप के टॉप के साथ स्टाइल कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट सेक्शन की साइड। सो फर्स्ट इज का रिव्यू एंड ये है हमारी स्कर्ट जिसको मैंने स्टाइल किया है। एज यू कैन सी इसके फ्रंट पे जो है वो बटन्स दिए हुए हैं, सारे बटन्स ओपनेबल हैं। एंड इसका बेस्ट पार्ट ये है कि इसके जो बैक है उसको इलास्टिक दी हुई है, जिससे आप उसको फिटिंग दे सकते हैं। अगर मैं इसके ब्रांड की बात करूँ तो उसको मैंने सस्प्रास ब्रांड से लिया था। प्लस ये कॉटन ब्लेंड फैब्रिक की है, तो ये आपके समर्स के लिए और इवन हल्की जो विंटर्स का सीजन होता है उसके लिए आपके लिए परफेक्ट है। ये एंकल लेंथ की है मेरे और इसका जो पैटर्न है वो ए लाइन पैटर्न है। अब बात करते हैं इसके अवेलेबिलिटी की। एंड मैंने इसको फ्लिपकार्ट से लिया था, मेरे को ये 719 रुपीज़ में मिली थी। एंड अभी मैंने रीसेंट प्राइस देखा था तो उसका रीसेंट प्राइस 900 समथिंग था, मैं स्क्रीन पर शेयर कर दूंगी। इसके साथ साथ ये मिंत्रा में भी अवेलेबल है, अगर आपको लेना है तो आप मिंत्रा और फ्लिपकार्ट दोनों में से कहीं से भी ले सकते हैं। मैं दोनों की लिंक शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कि इससे ना 2 फायदे होंगे। तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि किस में आपको सही प्राइस में पड़ रही है, क्योंकि सब पे प्राइस नॉर्मली अलग अलग टाइम पर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, तो जिसमें सही प्राइस में पड़ रही है आप उससे ले सकते हैं। एंड सेकेंड कि अगर आप एक साइड यूज़ नहीं करते, अगर आप दूसरी यूज़ करते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंगली उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। सो चलते हैं हमारे इसके स्टाइलिंग वेज की साइड। यहाँ पर मैंने इसको 4 डिफरेंट वेज में स्टाइल किया है। सो देखते हैं हमारे कि इसको हम कैसे कैसे स्टाइल कर सकते हैं। तो फर्स्ट लुक के लिए इस डमी स्कर्ट को मैंने स्टाइल किया है फ्लोरल प्रिंट टॉप के साथ। यहाँ पे ये राउंड नेक टॉप है, क्योंकि अगर हम स्कर्ट को उसको स्टाइल कर रहे हैं तो राउंड नेक टॉप जो होते हैं वो परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। प्लस अगर आप कोई भी प्लेन बॉटम लेते हैं, जैसे यहाँ पे प्लेन स्कर्ट है, उसको आप प्रिंटेड टॉप के साथ स्टाइल करते हैं तो वो बहुत प्रिटी लगता है। प्लस इस टॉप में ब्लू कलर के फ्लावर्स हैं जिसको एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन देता है। सो यहाँ पर सेकेंड लुक के लिए मैंने इसको स्टाइल किया है एम्ब्रॉयडर्ड टैंक टॉप के साथ। एज़ यू कैन सी इसके साथ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैंने यहाँ पर थोड़े से इसमें चेंजेस किए हैं। इसके जो ये यहाँ पर मैंने इसको नॉर्मली नाले का इसे क्रॉस करके पीछे बैक में बांधा हुआ है, जो उसको फिटिंग भी देता है एंड प्रिटी लुक भी देता है। यहाँ पर एम्ब्रॉयडर टॉप है तो उसको इंडो वेस्टर्न लुक देने के लिए यहाँ पर मैंने इसको सिल्वर इयररिंग्स के साथ पेयर किया है। इसके अलावा अगर आपको थोड़ा सा और बोहो लुक चाहिए या फिर आप इसको थोड़ा सा पार्टी वेयर ओकेजन के लिए बनाना चाहते हैं तो आप उसको एक सिल्वर नेक पीस के साथ भी कैरी कर सकते हैं, जो बहुत प्रिटी लगता है। एंड ट्रस्ट मी, ये लुक बहुत प्रिटी लग रहा था एंड आई जस्ट लव दिस लुक। सो थर्ड लुक के लिए मैंने इसको स्टाइल किया स्ट्राइप्ड राउंड नेक टी शर्ट के साथ। यहाँ पर मैंने ब्लू और वाइट कलर के कॉम्बिनेशन में टी शर्ट ली है, क्योंकि इसकी जो स्कर्ट है वो ब्लू कलर की है तो इसको एक परफेक्ट लुक देती है। अगर इसके लिए अगर आपके पास जिस भी कलर की स्कर्ट है आप उसी की सेम स्ट्राइप्ड में वो टॉप ले सकते हैं। उसको आप हील्स के अलावा वाइट कलर के शूज़ के साथ भी पेयर कर सकते हैं। एंड इस लास्ट लुक के लिए मैंने इसको स्टाइल किया है ऑफ शोल्डर क्रॉप टॉप के साथ। ये ऑफ शोल्डर क्रॉप टॉप नहीं था, आप किसी भी ऑफ शोल्डर टॉप के साथ इसको स्टाइल कर सकते हैं। एंड येस, ऑफ शोल्डर टॉप के अलावा आप इसको स्टाइल कर सकते हैं स्लिप टॉप के साथ, जो उसको एक प्रिटी लुक देता है। एंड येस, ये एक फॉरएवर कॉम्बिनेशन है कि आप डंगरी स्कर्ट को स्लिप टॉप या ऑफ शोल्डर टॉप के साथ स्टाइल कर सकते हैं। यहाँ ये प्लेन है तो ऑब्वियसली मैंने इसको प्रिंटेड के साथ स्टाइल किया है। सिमिलरली आप प्लेन को प्लेन के साथ भी स्टाइल कर सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको मेरे स्टाइलिंग आइडियाज पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें।
प्लस आप मेरे स्टाइलिंग अपडेट्स के लिए आप मेरे को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल है माई स्टाइल डायरी। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय।